बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा अमेरिका बॉर्डर रैम्बो ब्रिज क्रॉसिंग मोहलिक कार धमाके के एक दिन बाद दोबारा खुल गई। कैनेडियन और अमरीकी सरहदी हुक्काम का कहना है कि रैम्बो ब्रिज जुमेरात की शाम से दोबारा खोल दिया गया। अमरीकी कैनेडा सरहद पर धमाके के बाद पुलिस ने टोरंटो में पियर्सन एयरपोर्ट पर गश्त बढ़ाया। हमास इसराइल जंग के बाद टोरंटो में नफरत पर मबनी जराइम में इजाफा। टोरंटो पुलिस चीफ का कहना है कि तशद्दुद और नफरत अंगेज कार्रवाइयां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। नफरत अंगेज जराइम की रिपोर्ट्स में हैरत अंगेज इजाफा हुआ है। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम सर्द रहेगा। शहर में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक आने वाले दिनों में शहर में सर्दी में इजाफे का इम्कान है। चाकू जनी की वारदातों के बाद आयरलैंड में हंगामे फूट पड़े। मुश्तैल अफराद ने ट्राम बस और कई गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस का लाठी चार्ज। पुलिस का कहना था कि फसादात का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lighto Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. कैनेडियन और अमरीकी सरहदी हुक्काम का कहना है कि बॉर्डर क्रॉसिंग के अमरीकी जानिब एक मोहलिक कार हादसे और धमाके के बाद रैम्बो ब्रिज जुमेरात की शाम को दोबारा खोल दिया गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन और अमरीकी सरहदी हुक्काम का कहना है कि बॉर्डर क्रॉसिंग के अमरीकी जानिब एक मोहलिक कार हादसे और धमाके के बाद रैम्बो ब्रिज जुमेरात की शाम को दोबारा खोल दिया गया। धमाके के बाद टोरंटो पुलिस ने शहर में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है, जबकि पील पुलिस को पियर्सन एयरपोर्ट पर तैनात कर दिया गया है। धमाके के नतीजे में टोरंटो पुलिस ने कहा कि वो एहतियात के बाइस पूरे शहर में बावर्दी अफसरान के गश्त में इजाफा करेगी। शहर के रिहायशियों के लिए कोई खतरा नहीं है। कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी ने एक्स पर एक पैगाम पोस्ट किया, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। कहा कि पुल दोनों सिमतों में खुला है। US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी के बुफेलो फील्ड ऑफिस के अकाउंट से एक पैगाम पोस्ट किया गया था। उसने कहा कि ऑपरेशन शाम 6:30 बजे दोबारा शुरू हुआ। अमरीकी बॉर्डर सर्विस की वेबसाइट ने इशारा किया कि जुमेरात की शाम मुसाफरों के लिए कोई ताखीर की इत्तला नहीं है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचोल ने भी पुल को दोबारा खोलने के बारे में पोस्ट किया, सरहदी अफसरान का शुक्रिया अदा किया और साल के मसरूफ तरीन सफरी वक्त के दौरान न्यूयॉर्क वालों को महफूज रखने के लिए काम कर रहे हैं। पुल के अमरीकी जानिब बुध के रोज होने वाले धमाके में 2 अफराद हलाक हुए। FBI ने कहा है कि इसके बाद कोई धमाका खेज मवाद नहीं मिला और दहशतगर्दी के किसी गठजोड़ की निशानदेही नहीं की गई। टोरंटो के पुलिस चीफ का कहना है कि गुज़िश्ता माह इसराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू होने के बाद से शहर में नफरत अंगेज जराइम की रिपोर्ट्स में हैरत अंगेज इजाफा हुआ है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो के पुलिस चीफ का कहना है कि गुज़िश्ता माह इसराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू होने के बाद से शहर में नफरत अंगेज जराइम की रिपोर्ट्स में हैरत अंगेज इजाफा हुआ है। यकम जनवरी 2023 से 20 नवंबर 2023 के दरमियान टोरंटो में 323 नफरत अंगेज जराइम रिपोर्ट हुए, जबकि 2022 में इसी वक्त के दौरान 224 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इसमें 129 रिपोर्ट किए गए यहूद मुखालिफ नफरत पर मबनी जराइम और 34 रिपोर्ट किए गए मुस्लिम मुखालिफ या फलस्तीनी मुखालिफ या अरब मुखालिफ नफरत अंगेज जराइम की इत्तला दी गई। 7 अक्टूबर और 20 नवंबर 2023 के दरमियान टोरंटो में 78 नफरत अंगेज जराइम रिपोर्ट हुए, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 2022 में
37 रिपोर्ट हुए थे। इसमें 38 रिपोर्ट किए गए सामी मुखालिफ नफरत पर मबनी जराइम शामिल हैं, जो पिछले साल इसी अरसे के दौरान 13 रिपोर्ट हुए थे और 17 ने मुस्लिम मुखालिफ, फलस्तीन मुखालिफ, अरब मुखालिफ नफरत पर मबनी जराइम की इत्तला दी। टोरंटो पुलिस सर्विसेज बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए डैमक्यो ने कहा कि शहर इंतहाई तनाव के दौर का सामना कर रहा है। चीफ डैमक्यो ने कहा, नफरत से मुतासर होने वाले जुर्म का असर बहुत दूरस होता है और यह मुतासरा शख्स को पहुंचने वाले जिस्मानी और जज्बाती सदमे से भी आगे बढ़ता है, लेकिन हदफशुदा कम्युनिटी के तमाम अफराद को मुतासर करता है। मैं वाजे करना चाहता हूं, टोरंटो पुलिस सर्विस हमारे शहर के लोगों को तंग करने की इजाज़त नहीं देगी। तशद्दुद और नफरत अंगेज कार्रवाइयाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सर्विस और हमारा हीट क्राइम यूनिट नफरत अंगेज रवैये के किसी भी मुश्तबा वाकयात का जारहाना अंदाज में पीछा करेगा। उनका कहना है कि इसराइल और हमास की जंग शुरू होने के बाद से इस फोर्स ने नफरत पर मबनी जराइम के यूनिट में तौसी की है, जिससे इसका हजम 6 अरकान से बढ़ाकर 32 अफसरान पर मुश्तमिल टीम तक पहुंच गया है। डैमक्यो का कहना है कि टोरंटो पुलिस ने गुज़िश्ता माह नफरत अंगेज जराइम के वाकयात से मुतालिक 22 गिरफ्तारियाँ और 58 इल्ज़ाम आयद किए। ये बहुत बहुत तशवीशनाक है। हमने वसाइल की एक वसी मकदार का इरतकाब किया है। हम जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सबसे आम इल्जामात में धमकियां देना, शरारत की साजिश और हथियार से हमला करना शामिल है। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम सर्द रहेगा, जबकि एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से शहर में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम सर्द रहेगा, जबकि एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से शहर में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है, हल्की बर्फबारी का सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत हफ्ते की रात को -1 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत इतवार के रोज 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। हफ्ते के रोज शहर का दर्जा हरारत दिन के औकात में 3 और रात के औकात में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इतवार के रोज शहर का दर्जा हरारत दिन के औकात में 4 और रात के औकात में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक आने वाले दिनों में शहर में सर्दी में इजाफे का इम्कान है। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में चाकूजनी की 2 वारदातों के बाद हंगामे फूट पड़े। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में चाकूजनी की 2 वारदातों के बाद हंगामे फूट पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरलैंड के दारुल हुकूमत में 2 अलग वारदातों चाकूजनी की वारदातें हुईं, जिसमें 3 बच्चों समेत एक खातून को जख्मी कर दिया गया। हमलों के बाद मुश्तइल अफराद की जानिब से हंगामा आरई की गई और ट्राम बस समेत मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी, जबकि मुतादिद दुकानें भी लूट ली गईं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डबलिन के सिटी सेंटर में चाकू के हमले में 5 बरस की बच्ची और एक खातून समेत 5 अफराद को जख्मी कर दिया गया था। स्कूल के बाहर एक और वारदात में 6 बरस की बच्ची और 5 बरस के बच्चे को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। दूसरी पुलिस ने दोनों वाकयात में मुबैना तौर पर एक ही शख्स को मुलविस करार दिया, जो जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल है। मुबैना तौर पर मुलविस मुलजिम गुज़िश्ता 20 साल से आयरलैंड में ही मुकीम था। पुलिस का कहना था कि फसादात का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इलाके को घेरे में ले लिया है, जबकि सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर ट्रिनिटी कॉलेज को बंद कर दिया गया है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।